हाथरस में पुलकुल धावा बोल अभियान के तहत हाथरस पहुंचे जयंत चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देवरिया के शेल्टर होम की एक साल पहले मान्यता रद्द हो चुकी थी, तब फिर वहां क्यों लड़कियों को रखा जा रहा था, यह बड़ा सवाल है। आगे के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि सोर्स पोल चुनाव आयोग के कब्जे में नहीं है, इससे ज्यादा गंभीर सवाल क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टियों का इस मुद्दे पर सबसे पहले आपस में संवाद होना चाहिए। हाथरस से नीरज चक्रपाणी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स सवाल आपने पूछा है। पहले तो इसमें पार्टीज में आपस में संवाद होना चाहिए और अभी कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। एक पार्लियामेंट के अगर उपचुनाव में 350 मशीन खराब और उसको बाद में हमने जो तर्क रखे हैं उसे चुनाव आयोग ने भी स्वीकारा। उन्होंने माना कि हमारे जो वीवीपैट खराब रहे और इसलिए तंत्रों में रिपोर्ट खराब हुई। तो ये कोई परफेक्ट सिस्टम होता तो इस तरह से हजारों की तादाद में लोगों को अपने मतदान अधिकार से वंचित नहीं रखा गया। तो परफेक्ट सिस्टम नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बैलेट पेपर पे कागज पे जब होता था रखवाली करनी पड़ती थी, बक्से के बक्से गायब हो जाते थे और काउंटिंग में इतना समय लगता था। तो कहीं ना कहीं कोई नई विधि आई होगी जिसका प्रयोग हो सकता है। चुनाव आयोग ने हाल में आरटीआई में इस बात को स्वीकारा है कि जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड हुए उनके कब्जे में थी। तो जो ईवीएम और वीवीपैट बना रही हैं दो पीएसयू कंपनियां हैं, भारत की देश की कंपनियां हैं, लेकिन अगर सोर्स कोड उनके कब्जे में नहीं है तो इससे गंभीर सवाल। आपको क्या और भी शेल्टर होम होंगे प्रदेश में या देश में? जांच का विषय है। अभी हरदोई में भी अखबार में छपा है, मैंने देखा है, वहाँ भी सिर्फ दो लड़कियां ही पाई गई जबकि कागजों में बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा था। तो एक तो ये है कि लड़कियों को की ज्यादा तादाद दिखाकर वहाँ जो लोग भ्रष्टाचार कर, दूसरा ये है कि जो वहाँ लड़कियां रह रही हैं वह सुरक्षित नहीं। आप सोचिए कि देवरिया में एक साल से उसकी मान्यता रद्द हो चुकी थी, तब भी जो है पुलिस वाले प्रशासन के लोग वहाँ बच्चियों को क्यों भेज रहे, दोष किसको दोगे? और समाज कल्याण विभाग हो, यूपी सरकार हो, योगी जी हो, वो महिला सुरक्षा के विषय पे बिल्कुल भी बेहद भी गंभीर नजर नहीं आता। एक अभी गंभीर होते तो अपने विधायक को कम से कम पार्टी से अपने निकाल दिया होता। एक रेप अक्यूज है, आप रेप अक्यूज को टिकट देते हो, किडनेपिंग अक्यूज को चुनाव लड़ाते हो, सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी है, सबसे ज्यादा मंत्री जो है अपराधी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। तो ये कारण है। एक अभी